मैनपुरी के चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में किसी जिम्मेदारी को मिलने का इंतजार कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, पद मिले या ना मिले आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा, यह मेरा अंतिम फैसला है। शिवपाल यादव ने यह भी गिनाया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, महासचिव रह चुका हूँ, नेता विपक्षी दल रह चुका हूँ और साथ ही मैंने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन इसके बावजूद किसी पद को पाने की कोई लालसा नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वह ठीक से निभाएंगे। अगर कोई पद या जिम्मेदारी नहीं भी मिली तब भी वह संगठन के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वह पद को छोड़कर पार्टी को मजबूत करने काम में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि अब तक उन्हें जो भी पद या जिम्मेदारी मिली है उसे उन्होंने ठीक तरीके से निभाया है। शिवपाल यादव ने बार बार कहा कि कोई पद मिले या ना मिले, कोई जिम्मेदारी मिले या ना मिले, लेकिन वह आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा मैं समाजवादी परंपरा से हूं, जहां मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने यह भी कहा कि जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास भी कोई पद नहीं था, लेकिन वह दोनों जब बाहर निकले तो उन्होंने राजनीति में हलचल मचा दी। इसी तरह वह भी पद की कोई लालसा नहीं रखेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। शिवपाल ने कहा कि सपा हमारी पार्टी है, नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, इसलिए पद मिले या ना मिले मैं आजीवन इसी में रहूंगा। शिवपाल यादव से जब यह पूछा गया कि उन्हें नेता विपक्षी दल बनाए जाने की चर्चा थी लेकिन 2 हफ्ते बाद भी अखिलेश यादव ने उसका ऐलान नहीं किया तो उन्होंने कहा कि वह पहले भी नेता विरोधी दल रह चुके हैं, इस वक्त अखिलेश इस भूमिका को न सिर्फ निभा रहे हैं और अच्छे से वह बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद पाना ही सब कुछ नहीं होता, वह निकल पड़े हैं तो पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लखनऊ छोड़कर जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पर उन्होंने कहा कि यह अच्छी पहल है, इससे पार्टी मजबूत होगी और बदलाव साफ तौर पर नजर भी आने लगा है। अखिलेश इसी तरह बाहर निकलते रहे तो पार्टी को और फायदा होगा। हम भी बाहर निकले हैं, अखिलेश भी निकल रहे हैं और दोनों की इस मेहनत से संगठन मजबूत होगा। शिवपाल यादव ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष का ऐसा उत्पीड़न इससे पहले कभी नहीं हुआ, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी की सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है, मौजूदा सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसी के साथ शिवपाल यादव ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। प्रसपा से आए जो नेता मजबूती से दावेदारी पेश करेंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा। शिवपाल यादव ने मौजूदा सरकार के बुलडोजर कल्चर पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने जो परंपरा शुरू की है उसके नतीजे आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकते हैं। साथ ही इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुई फायरिंग और मारपीट की घटना को दुखद बताया है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।